आस्था का प्रतीक बाबा अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा, जिसको सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हर तरह की फैसिलिटीज़ से जो है भक्तों को नवाजा जाएगा। भक्तों के लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है इस यात्रा के दौरान दी जाएंगी। आपको ये भी बता दें कि दोनों मार्ग पर 123 लंगर की व्यवस्था भी की जा रही है। अमरनाथ यात्रा के दौरान 123 लंगर श्रद्धालुओं के लिए दिन रात खुले रहेंगे। ये लंगर तीर्थ यात्रा के दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम पर लगेंगे। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने लंगर संगठनों को इसकी अनुमति दे दी है। बोर्ड ने लंगर संगठनों को अपने सेवादारों के दस्तावेज 15 मई तक भेजने के लिए कहा है। लंगर वालों को 15 जून तक चिन्हित जगहों पर पहुँचने के लिए कहा गया है। इधर अनुमति मिलने के साथ ही लंगर संगठनों ने आवश्यक सामग्री को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। यात्रा मार्गों के अलावा लखनपुर से लेकर पहलगाम व बालटाल तक भी 50 से अधिक लंगर लगाए जाएंगे, जिसकी अनुमति संबंधित जिला डीसी देंगे। आपको ये भी बता दें कि यात्रा के दौरान सबसे अधिक लंगर पंजाब से संगठन लगाते हैं। इसी तरह हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से संस्थाएं भी लंगर लगाती हैं। सबसे अधिक लंगर बालटाल व दोमेल में 25 लगाए जाएंगे। इसी तरह पवित्र गुफा में 13, शेषनाग में 8, पंचतरनी में 12, चंदनवाड़ी में 7, नुनवान में 9, जोजीबल में 5 लंगर लगाए जाएंगे। ये यात्रा हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक भक्त के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है और लोग जो है विभिन्न राज्यों से जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं। यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुकी है और इस बार यात्रा जो है वो 62 दिनों के लिए, जिसके लिए तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और लंगर के लिए भी जो है नियुक्ति दिए जा रहे हैं। फिलहाल इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर एक का योगदान जो है वो अहम माना जाता है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।